नमस्कार, मैं इमरान हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। बिजनौर की चांदपुर में घर में नहाते वक्त पीड़िता से छेड़छाड़ के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद पीड़िता ने जान से मारने व उसके परिवार के लोगों को समझौता ना करने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी मिलने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने SP व पुलिस क्षेत्र अधिकारी चांदपुर के नाम शिकायती पत्र देकर अधिकारियों से खुले घूम रहे आरोपियों को गिरफ्तार करने व उसकी जान व इज्जत की हिफाजत की गुहार लगाई है। पीड़िता ने पुलिस पर भी दबाव बनाने का आरोप लगाया है। दरअसल मामला बिजनौर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक पीड़िता का आरोप है कि जब वह घर पर अकेली थी तो उसके पड़ोस का एक युवक उसके घर में घुस आया और नहाते वक्त उसे अश्लील हरकत कर दी। उसने शोर मचाया तो वह भाग गया। पीड़िता ने इसकी शिकायत उसके घर वालों से की तो उन्होंने उल्टा उसे ही मारा पीटा। किसी तरह वे बचते बचाते जंगल के रास्ते थाने पहुंची, लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। हालांकि दो दिन बाद उच्च अधिकारी के संज्ञान में मामला आने के बाद चार लोग फरियाद पुत्र शकील अहमद, अरमान पुत्र शकील अहमद पुत्र यासीन, अमीना पत्नी शकील अहमद निवासी गण गांव रामपुर नजराना थाना चांदपुर बिजनौर के खिलाफ धारा 452, 354, 323, 504 मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता का आरोप है कि उसे मुकदमा दर्ज होने के बाद तरह तरह की धमकी मिल रही है। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और उस पर समझौते में मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। पीड़िता का ये भी आरोप है कि उन्होंने धमकी दी है कि अगर समझौता नहीं किया तो तेरे भाइयों को भी झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। डर की वजह से पीड़िता गांव छोड़ रिश्तेदारी में रह रही है। पीड़िता का पति बाहर प्रदेश में कार्य करता है और वह घर पर दो छोटी छोटी बच्चियों के साथ अकेली रहती है। अपनी इज्जत और जान बचाने की खातिर पीड़िता ने SP बिजनौर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आरोपियों को जेल भेजने की गुहार लगाई है। देखिए चांदपुर से हमारे संवाददाता आफताब आलम की रिपोर्ट। फरियाद और अरमान मेरे साथ में 6-7 दिन से छेड़खानी कर रहे थे बहुत। मैं इनके घर, मैं दिल में शिकायत करने की मैंने धमकी दी इनको कि मैं तुम्हारे घर पे कह के आऊँगी। तो इन्होंने मेरे साथ में ना रही थी मेरे साथ, फिर इन्होंने बदतमीजी बहुत ज़्यादा की है मेरे घर पे आके। फिर मैं इनके दादा और इनकी अम्मी से कहने चली गई और माँ दादी से। तो इन्होंने मैं फिर अपने घर पर आ गई। इनकी इनके माँ बाप ने भी उनके घर वालों ने फिर मुझे मारा छे बहुत और मैं घर से बाहर हूँ। मेरे दो बच्चे भी हैं छोटे छोटे। खाने में तहरीर दी आपने? जी, खाने में तहरीर दी। खाने में तहरीर दी है। मैं चौकी पे देने जा रही थी, इन्होंने मुझे घेर लिया कि यहाँ पे हम इसे कुछ नहीं करने देंगे। मैं जंगल के रास्ते से आई और मैंने फिर चांदपुर तहरीर दी तो मेरी तहरीर मैंने दे दी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। माँ, क्या मुकदमा दर्ज हो गया है आपके? मुकदमा दर्ज हो गया मेरा, लेकिन तब भी उन्हें कोई नहीं उठा पा रहा। 151 में उनके बाप को उठा के जमानत करा दी है और अब मेरे पे, मेरे दो भाई हैं, एक बीमार है और एक बाहर रहता है, उसके भी खिलाफ इन्होंने मतलब ये कह रहे हैं कि या तो फैसला कर लो वरना तुम्हारे भी भैया का हो जाएगा मुकदमा दायर। जिन धाराओं में तुमने ये कह दें उन्हीं धाराओं में हम तुम्हारे भैया भी कैद कर देंगे। कौन कह रहा है ये बात? ये दरोगा जी कह रहे हैं। कौन से दरोगा? नाम तो मुझे नहीं मालूम है सर। कहाँ के दरोगा है वे? यही के ही थाने के। अब आपने इस बात की शिकायत कहीं करी है? मैंने सर, मैं बिजनौर भी गई, SP साहब के पास भी गई मैं और मैंने CM जी के भी दिए, वहाँ पे भी दिए, अभी कुछ जवाब नहीं मिल रहा मुझे। क्या चाहती हैं आप? मैं फैसला नहीं चाहती, मेरे साथ में बहुत बुरा हो, मेरे साथ बहुत बदतमीजी हुई है और इस बात का धमकी भी दे रहा है, या तो फैसला कर ले वरना हम तो जान से खत्म कर देंगे। जिस समय इन लोगों ने आपके साथ हरकत करी है, आपके पति या कोई घर पे नहीं था? मेरे पति नहीं रहते यहाँ पे, मेरे पति बाहर रहते हैं और मजदूरी करते हैं, मेरे सास ससुर बाहर रहते हैं, मेरी सास ससुर भी बाहर रहते हैं मेरे, बस मेरे पास भी दो बेटी हैं छोटी छोटी। तो आप अब वहाँ अपने ससुराल नहीं जा रही? नहीं, मुझे धमकी दे रहे हैं वो लोग कि या तो फैसला कर ले वरना हम तुझे मार देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।